गुंजन मैम लाइव हो चुका है, आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन पाल, आई एम फ्रॉम आशिया नगम जयपुर। आज मैं दो एक ब्राउनीज और मैंगो केक बना रही हूँ, मैंगो कस्टर्ड केक। हेलो मैम, ऑडिबल है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है मैम, पहले मैं चॉकलेट काजू ब्राउनीज बनाऊंगी, उसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ। इसके लिए 2 कप आटा चाहिए, 1 कप शुगर, ये मतलब ऐसी सिंपल शुगर चाहिए, पिसी हुई शुगर नहीं है, सिंपल शुगर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, रिफाइंड ऑयल 1 कप और चॉप्ड काजू और 1 पिंच सॉल्ट चाहिए इसके लिए, और ये वेनिला एसेंस। एक बॉल में हमें पहले आटा, ये 2 कप आटा लेना, सिंपल जो सिंपल रोटी के लिए आटा यूज करते हैं, इसमें मैदा नहीं है, केवल सिंपल आटा है। इसके साथ ही हम इसमें ये पूरा शुगर साथ ही ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा ज्यादा शुगर रखा है, 3/4 कप भी ले सकते हैं जो कम खाते हैं। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 कप रिफाइंड, ये सारी चीजें एक ही बाउल में एक साथ ही मिक्स कर देंगे ना, कुछ छानना वरना इसमें कुछ नहीं है, केवल साथ में एक साथ ही मिक्स करना है। ये 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, वन टी स्पून ये विनेगर, ये पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपको लाइसेंस नहीं है तो ऑप्शन है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, तो इसमें ऐसे लगने तक भर के सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। परफेक्ट बैटर के लिए हमें ल्यूकवॉर्म मिल्क चाहिए, मिल्क हमें इसमें धीरे धीरे डालना है जिससे कि बैटर परफेक्ट बने, जितनी जरूरत हो उतना मिल्क ऐड करना। अप्रोक्सीमेटली 2 कप के करीब
अच्छे से इसको बीट करना है, बैटर अच्छे से बन जाए, केक फ्लफी बने। दूध धीरे धीरे डालना है, जैसे कि जितनी जरूरत लगे टेस्ट बनाए, इसका बैटर बनाने के लिए उतना डालना। बैटर हमारा तैयार है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, ये ऐसे। वो कुछ पूछना है यहाँ तक? हम पूछ लेंगे जिसको भी पूछना हो कुछ। इसमें हम ये बैटर में काजू क्वांटिटी अच्छी डलती है इसमें, क्योंकि काजू ब्राउनीज है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार फास्ट से बता दीजिए क्या 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 आपने। मैं मैंने पहले आटा लिया है, सिंपल आटा, जो आटा लेना सिंपल। ओके। उसमें चीनी डाली है। ओके। कोको पाउडर है साथ में, और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, विनेगर और वेनिला एसेंस। ओके ओके, थैंक यू। पेस्ट बना के इसमें काजू ऐड किए, ठीक है। पांच का बाउल लिया है इसको, और इसे ग्रीस करना है। ये ब्राउनी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, इसको फिर आटे से थोड़ा सा डस्ट करेंगे। ये देखिए मैं आटा डाल रही हूं इसमें, आटा डाल के इसको चारों तरफ फैला पूरे बाउल में कोटिंग आ जाए इसकी आटे। बैटर में इसमें डाल देंगे, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। इसको हम सिंपल माइक्रोवेव मोड में बनाएंगे, कन्वेक्शन में नहीं बनाएंगे। क्लियर है सबको?
किसी को कुछ पूछना है? अभी यहाँ तक क्लियर है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली बहुत कम टाइम में बनने वाली ब्राउनीज है, आपको कुछ भी कहीं एकदम बनाना है तो फटाफट दे रही 10 मिनट में। ये देखिए मेरा ये तैयार है माइक्रोवेव के लिए। मैंने ब्राउनीज 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रखी है, तब तक मैं कस्टर्ड केक की तैयारी कर लेती हूँ। एक बाउल लेना है, इसमें ये 1 कप रिफाइंड, मैं इसमें रिफाइंड यूज कर रही हूँ। वन कप शुगर, ये 1 कप मैंगो प्यूरी, क्योंकि मैंगो का मौसम है तो मैं मैंगो यूज करती हूँ, तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज करती हूँ। हाफ टीस्पून वेनिला एसेंस, हाफ टी स्पून विनेगर, हाफ कप मिल्क, अच्छे से बीट करना कि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। ठीक, थोड़ा सा ठीक पेस्ट बन जाएगा इसका, ये कितना अच्छा से ठीक होगा और कितना अच्छा बनेगा। ये मैंगो के लिए कस्टर्ड के लिए से कभी बनाऊंगी, 5 मिनट तक हीट कर लेती हूँ। इसमें मैंने ये डाली है, डाली नीचे केक टिकने के लिए। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए,
वन टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर, कोई भी कस्टर्ड वेनिला वो भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर वन टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, अच्छे से को कुछ पूछना हो तो मेरे को पूछ लीजिए, कहीं समझ नहीं आ रहा। इसको मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, मैम कस्टर्ड जो केक बना रही उसमें आपने मैदा लिया है? मैदा और ब्राउनी में आटा लिया था? ब्राउनी में पूरा सिंपल आटा। अभी जो मेरा बैटर बना थोड़ा सा ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसे बनाऊंगी, इसके लिए मैंने बटर पेपर यूज किया है इसके बाउल के साइज का काट के।
इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस करना है। पूरा इसको बटर पेपर को भी ऑयल से पूरा ग्रीस करना लगेगा। इसको 45 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में। ये कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, लेकिन मैं इसकी सीटी ऊपर से हटाऊंगी। मैंने इसे केक को हम लोग किसी भगोने में भी बना सकते हैं, लेकिन भगोना हैवी तली का होना चाहिए। अगर हल्का है भगोना तो आप उसमें नीचे नमक डाल लीजिए। नमक जब गर्म हो जाए तब आप इसके अंदर लिड रख के तब आप ये इसको इसमें रख सकते हैं। ब्राउनीज से पक गई है। इसको मेरे को ना 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा कि ठंडी हो जाए। मैम इसको फ्रिज में थोड़ी 10 मिनट रखना पड़ता है, नहीं तो अच्छे से डीमोल्ड नहीं होता है, इसलिए हमें 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है इसको। काली ब्राउनी मेरी रेडी है, केक बन रहा है। मैं टॉपिंग के लिए मैंगो ग्लेज बना रही हूं। बोलो तो यहाँ मेरा भी हो गया 10 मिनट के बाद में। किसका हुआ दिखा दीजिए। मेरा तो इसको 10 मिनट के लिए क्या फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है 10-15 मिनट्स। इतना अच्छा रहेगा, ठंडा होके अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। ये पहले ही एकदम हुआ अभी। ठीक है मैम, किसी की कुछ क्वेरीज है यहाँ तक? केक रेडी होता है, मैं मैंने प्लेस तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक एक कप ये एक बाउल ये लिया है मैंगो प्यूरी। दी ब्राउनीज को कितने टेम्परेचर पे लगाया था?
मेरे पे तो हाई, मेरा सिंपल माइक्रोवेव है। अच्छा, सिंपल माइक्रोवेव मैंने हाई पे लगाया है, हाई मोड पे, और 10 मिनट्स के लिए। सिंपल जो आपका ये मतलब सिंपल जो गर्म करने वाला होता है माइक्रोवेव। ठीक है ठीक है, ओके। मैंगो प्यूरी और इसमें हाफ कप शुगर। इसको हमें सिम पे ही रखना है, कंटिन्यूअसली चलाऊंगा। एक्चुअली मैंगो का मौसम है तो बच्चों को मैंगो खिलाने का अच्छा तरीका है, मैंगो केक बनाओ, मैंगो शेक बनाओ, मैंगो से कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना के। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है शाइनिंग के लिए, इसमें शाइनिंग आएगी। ये क्या बना रहे हैं आप? ये क्या बन रहा है? ये मैंगो ग्लेज़ बना रही हूँ मैं। ये मैंगो? हाँ?
मैंगो ग्लेज। ओके मैंगो टॉपिंग्स के लिए। कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो ये फिर इसमें गाँठे बढ़ जाएंगे। कंटिन्यूअसली चलाते रहना स्लो फ्लेम पे। देखिए इस तरह से ना इस तरह से थिक और थोड़ा ट्रांसपेरेंट ऐसे बन जाएगा। अभी गाढ़ा हो गया, थोड़ा ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा। रेडी हो गया है, थोड़ा ठंडा करने के लिए।
देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। हम केक को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए चॉकलेट गनाश बनाएंगे। एक्चुअली मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो मैं ये चॉकलेट सिरप से गनाश बनाऊंगी। ये चॉकलेट सिरप लेना है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब ये कोको पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए। अगर ये पतला रहेगा अगर फ्रॉस्टिंग करेंगे तो ये नीचे पूरा निकल नीचे फैल जाएगा पूरा। उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमें चॉकलेट कोको पाउडर मिलाएंगे इसमें। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो चॉकलेट को मेल्ट करके भी गार्निश कर सकते हैं। ये हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। इंस्टेंट वाला फटाफट बना अगर हमें फटाफट बनाना कोई चीज नहीं हमारे पास घर में चॉकलेट्स नहीं है कुछ नहीं तो ये फटाफट बन जाता है। ये मैंने पाइपिंग एक कोन लिया है पाइपिंग टाइप सबको क्लियर है ना यहाँ तो ये
एक्चुअली अभी केक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 मिनट्स लगेंगे अभी केक में। अभी मैंने भी सुबह ये केक बना के रखा है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा अभी, तो मैंने ये एक्स्ट्रा बना के रखा है। मैं इस पे फ्रॉस्टिंग करके दिखा देती हूँ आपको। हम इससे कट करेंगे, मैं क्लियर है सबको? नहीं तो किसी को कुछ पूछना हो तो कुछ क्वेरीज हो, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सबको समझ आ रहा है अच्छे से। मैं भी बीच से मुझे कट कर रही हूँ। हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। मेमोरीज़ भी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। हेलो गुंजन, इसको अपन माइक्रोवेव में बना सकते हैं क्या? इसको भी माइक्रोवेव में नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, ओके। तो इसमें बनाओ या फिर ओटीजी में बनाओ? हम और ये एक्चुअली जो केक हम फ्रॉस्टिंग करते हैं वो इसमें ओवन में या कुकर में बनेगा, क्योंकि उसको कट नहीं कर सकते क्योंकि वो फैलता बहुत है। अच्छा अच्छा, जो वाला केक था वो थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट बनता है। माइक्रोवेव में ब्राउनीज बनाएंगे वो कुकर में आप बना सकते हो। अच्छा
इसको कुकर में या फिर ओटीजी में ओवन में बनाना पड़ेगा। इस पे ये मैंगो ग्लेज लगाया है, इसको 2 मिनट के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए मुझे थोड़ी सी देर फ्रिज में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये सेट हो जाए इसके ऊपर। मैम यहाँ पे किसी की कोई क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए, कहीं किसी को डाउट हो। ये मेरा हल्का सा सेट हो गया के ग्लेज के ऊपर। इसे मैं इसकी इसको डेकोरेट करूंगी थोड़ा सा। घर में बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आप अपने आप घर में विदाउट केमिकल वाला केक बना सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप डेकोरेशन जो भी आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे आप डेकोरेशन कर सकते हो।
सॉरी एक्चुअली मेरा स्टैक बाहर ही रह गए थे। इक्वल डिस्टेंस पे स्लाइड करनी, जरूरी नहीं कि आप ये चॉकलेट से गार्निश करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिर हमें एक टूथपिक लेनी है, इसको प्रेस करते ये लाइन डालनी, फिर इसको साफ करना कपड़े से, फिर इसको अपोजिट साइड साइड में फिर अगेन साफ करना है, फिर ये दूसरी साइड से, लेकिन इसको प्रेस करते हुए अच्छे से दबाते हुए इसको खींच रहे हैं, नहीं तो वो लुक नहीं आएगा इसका। देखते जो ऐसे लुक आ रहा है इसका, फिर इसको दूसरी साइड से, मतलब डिफरेंट साइड से दोनों को लेना, एक बार उस तरफ से एक बार दूसरी साइड से। ये देखिए सबको विजिबल है? यस मैम। दिख रहा है सबको? यस मैम, श्योर है। मैम इसमें आप जो आपकी जो भी आपके पास मटेरियल उससे दूसरे को अपलोड कर सकते हो। मेरे पास कलर चॉकलेट पड़ी है थोड़ी सी, तो मैं वो थोड़ा सा लगा देती हूँ, एक सेकंड। देखो
ये केक मेरा रेडी है। मेरे ब्राउनीज भी रेडी है। वेरी नाइस कुंजल मैम। मेरा ये केक भी रेडी है, लेकिन अभी इसको 10-15 मिनट्स लगेंगे ठंडा होने में, तभी मैं इसको फ्रोस्टिंग हो पाएगी इसकी। तो इसलिए मैंने पहले एक प्रिपेयर करके रखा था कि टाइम से मेरी केक का खत्म हो जाए। ओके मैम मेरी दोनों चीजें रेडी है। वेरी नाइस मैम। एक मिनट मैम मैं फोटो क्लिक कर लूं, आप हाथ में ले लीजिए। वन मिनट मैम। Done, ma'am.